तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का दीपू नेगी के एक और नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे, मैं भी बढ़िया। तो आ चुका हूँ मैं आप सभी के लिए एक और नया व्लॉग लेके, और आज के दिन मैं जा रहा हूँ रिकोंगपियो की तरफ, क्योंकि गाइज हमारा ट्रायल है बाइक का। तो आज हम बाइक का लाइसेंस के लिए ट्रायल देने वाले हैं, तो देखते हैं वहाँ पर जाके क्या क्या सीन बनता है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, सारा आप लोगों को आज के इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों करते हैं आज का ये छोटा सा व्लॉग स्टार्ट, तो चलिए। तो ट्रायल देने जाना है गाइस, ग्रीनरी देख रहे हो गाइस, आजकल यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है ना गाइस, मई के महीने में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है गाइस। तो आज ट्रायल देना है तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, पता नहीं यार कैसा ट्रायल देना पड़ता है बाइक का, क्योंकि बाइक का ना मैंने आज तक ना ही देखा है और ना ही दिया है। गाड़ी का लाइसेंस तो हमने बहुत पहले बना के रखा था, तो उस पर ना कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई अपने को, क्योंकि उस पर तो हाथ अपना एकदम क्लियर साफ था। लेकिन बाइक के ट्रायल पे ना अभी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। जब गाड़ी का ट्रायल था ना गाइस, मुझे बिल्कुल 1% भी डर नहीं लगा था गाइस, लेकिन इस बाइक के ट्रायल में ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। खैर चलिए देखते हैं जो भी होगा, फिलहाल इसका कवर ववर खोल देते हैं। और इस पर ना यार देसी जुगाड़ बनाया है मैंने यार, इसके ना लॉक भी टूट गए हैं। खैर चलिए गाइस क्या कर सकते हैं। तो ये हमारी बीस्ट निकल चुकी है, तो चलिए गाइस निकलते हैं रिकोंगपियो की तरफ। बाइक हमारी हो चुकी है गरम, कोल्ड स्टार्ट हमने कर दी है इसको, और देखिए कैसे लोकेशन पर हम पार्क करते हैं इसे। ये देख रहे हो गाइस सीधा फेस बचता है इस पर यार। यहाँ पर पार्क करने का ना एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि हवे से ना बाइक गिरती नहीं यार, नहीं तो यहाँ पर हवा इतना ज़्यादा चलता है ना गाइस, बहुत ज़्यादा। एक बार मैंने यहाँ पर पार्क करी थी तो बाइक गिर गई, और इसके जो ये गार्ड है ना गाइस वो ही टेढ़े हो गए थे। खैर चलिए जो भी है, रोड देखो गाइस बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है। इस रोड पे तो मैं चला देता हूँ गाइस, लेकिन ट्रायल पे पता नहीं आज क्या होने वाला है, वहीं जाकर लगेगा पता पूरा मामला क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी ब्लॉग पे बने रहिए गाइस, क्योंकि आज का ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों ये अभी हम निकल चुके हैं करछम से आगे, और यहाँ पर ना यार एक गाड़ी से ओवरटेक ले रहा था मैं, तो ओवरटेक लेते लेते ना अपने को यहाँ पर एक लाइन देखने को मिली है। ये पढ़िए गाइस, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, अपना सुंदर नगर लंदन से कम नहीं। वाह भाई साहब क्या लाइन दिखी है, आई लव सुंदर नगर। भाई साहब बनाया है बंदे ने गाड़ी हर कुछ। चलिए अब ओवरटेक लेने का टाइम आ चुका है। पहुंच चुके हैं गाइस जीरो मोड, अब हमें यहां से लेफ्ट लेना है गाइस, चढ़ाई की ओर जाना है, तब पहुंचेंगे हम रिकोंगपियो। इस रोड पे काम चला है गाइस आजकल, इस वजह से जो है ना इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है, और रोड का भी हाल थोड़ा खराब जैसा है। गाइस ट्रैफिक ऐसा काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है इस रोड पे, एक तो आज ट्रायल है ना गाइस, उस वजह से भी ट्रैफिक हो सकता है ज़्यादा। बस ये कैंपर वाले से आगे निकलना पड़ेगा यार, ये अड़ा के रख रहा है, नहीं तो बड़ा परेशान कर रहा है अपने को। Thank you.
पे ना गाइस अपने को ऐसी कैचियाँ मिलती रहेगी काफ़ी सारी, ऐसे घूमते हुए जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। अभी 3-4 कैचियाँ और आने वाली है ऐसे ही, और ये वाला टक्कर है यहाँ का सबसे गंदा टक्कर गाइस। यहाँ से ना ट्रकों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है चढ़ने के लिए, दो ट्रक तो बिल्कुल नहीं चढ़ पाती है गाइस सर। चुका है हमें रिकॉन्ग जीरो, लेकिन अभी एक दो मोड और लेने हैं गाइस, देखिए, और उसके बाद एक फाइनल मोड और उसके बाद सीधा जाना है बस रिकॉन्ग जीरो के लिए। लेकिन इतना ट्रैफिक किस लिए गाइस, तो ये फाइनल मोड हमने क्रॉस कर दिया है, अब स्ट्रेट जाना है हमें और सामने की तरफ जिला कैलाश की पहाड़ियाँ। देख रहे हो गाइस कितना बर्फ़ है अभी वहाँ पर, तो अभी तो लगता है एक दो महीना और लगेगा किन्नर कैलाश यात्रा खुलने के लिए, अभी टाइम लगेगा गाइस। बाकी व्यू चेक करके चलिए आप लोग, तो अभी ऊपर रिकॉन्सियो पहुँचने के बाद हमें अपना फॉर्म भी भरना है गाइस अभी, क्योंकि हमारा गाड़ी का लाइसेंस बना है, तो बाइक का गाड़ी का दोनों कंबाइन करने के लिए एक और फॉर्म भरना बताया था उन्होंने, तो वो भी भरना पड़ेगा हमें जाके, इससे जल्दी जा रहे गाइस वरना हम आराम से जाते हैं। बाकी फ्यू चेक करिए गाइस, तो ये है रिकॉन्सियो चौक और हमें जाना है एटीएम। अब चलते हैं आरटीओ ऑफिस और वहाँ से फॉर्म लेते हैं, फॉर्म भरते हैं और फिर चलते सीधा ग्राउंड पे ट्रायल देने। तो गाइस फाइल हमारी रेडी हो चुकी है, अब जाना है डायरेक्ट ट्रायल के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार, कम से कम एक घंटा लग गया इस फाइल को बनाने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं सीधा ट्रायल ग्राउंड की तरफ। तो चलिए गाइस निकल चुके हैं ट्रायल ग्राउंड की तरफ, ITPP ग्राउंड में है गाइस अपना ट्रायल, देखते कैसा ट्रायल देते आ जाऊँ। ट्रायल सर ट्रायल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नहीं यार अभी नहीं है, शाम को 2 बजे के बाद जल्दी आ गए। कहाँ से है? ब्रुआ से सर, ब्रुआ 2-1.5 बजे आना, 1.5 बजे अभी वापिस जाएँ सर, फिर अभी वापस मोड़ के तो आते सर ऊपर से पास हो जाएगा सर। हाँ जी सर, थोड़ा नाश्ता पानी करो। हाँ जी सर, अब तो ऐसे ही करना ठीक है सर। A few moments later. तो रिकॉन्गपियो आने का ना आज फ़ायदा हो गया गाइस यार, हमें नेताजी मिल गए यहाँ पर, तो
थोड़ी बहुत क्लिपें बनाई है मैंने, वो मैं आप लोगों के लिए लगा दूंगा यहाँ पर, और बाकी आप लोग देखते रहिए व्लॉग में, बने रहिए। तो ट्रायल का टाइमिंग है गाइस 2 बजे के बाद, इस वजह से जो है ना मैं थोड़ा यहाँ पर आ चुका हूँ रेस्ट करने के लिए। बाकी देखते हैं यार 2 बजे तक अभी क्या ही हमें करना है यहाँ पर, अभी फ़िलहाल बोर हो सकते, बाकी कुछ नहीं, काम धाम कुछ है नहीं अपने पास फ़िलहाल, बाकी बने रहिए व्लॉग में। 2 hours later तो ये पहुँच चुके हैं गाइस हम ट्रायल वाले ग्राउंड पर। तो ग्राउंड काफ़ी बड़ा है और यहाँ से लाइन लगेगी अभी गाड़ियों की ना सीधा, और अपने बाइक का पता नहीं कहाँ पर होने वाला है ट्रायल। दोस्तों फाइनली ट्रायल दे दिया है हमने और हमारा ट्रायल जो है ना वो सक्सेसफुली निकल चुका है। तो अपने पास अब बाइक का लाइसेंस भी आने वाला है और अभी बस निकल रहा हूँ मैं डायरेक्ट घर की तरफ। 5 बज चुके हैं गाइस, सुबह से वेट कर रहे थे हम, सुबह से वेट किया गाइस और 5 बजे हमारे को लाइसेंस मिल पाया है अपना। मिला तो नहीं, खैर ट्रायल कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुल, अब हम अच्छे से बाइक चला सकते हैं गाइस।